एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एलिगेंट गर्ल शर्मी। मैं शर्मिष्ठा और आज आप लोगों के साथ में एक हेयर ट्रीटमेंट बोल सकते हैं, हेयर पैक बोल सकते हैं, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आते हैं, वीडियो को पूरा आपको देखना है, पूरा देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा। मैं जैसे स्टेप बाय स्टेप दिखाया हुआ हूँ वैसे ही आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कॉमेंट करके बताना ये पैक लगाने के बाद आपका असर कैसा है, ये पैक लगाने के बाद आपका हेयर कंडीशन कैसा रहा। और बहुत ही अच्छा पैक है, अप्रॉक्स मुझे 20 रुपीज लगा ये पैक को रेडी करने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस पैक को लगाने से पहले आपको कुछ दिन आपको हेयर वॉश करके रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट डे इस पैक को लगाना। इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और हेयर वॉश करने के बाद अगर आप कोई भी चीज़ लगाते हैं उससे बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर आप सपोज आप आज हेयर वॉश करते हैं तो आप नेक्स्ट डे उस हेयर पैक को यूज करना, तो उससे क्या होगा, आपको फर्क बहुत ही पड़ेगा और बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। और आपको कमेंट करके तो बताना है ही कि कैसा लगा ये पैक। और नेक्स्ट में अगर आपको अच्छा लगता है तो नेक्स्ट भी मैं इस ये टाइप का जो पैक है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये फेस्टिव सीजन है तो फेस्टिव सीजन के पहले आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पर ही ये सब लगा के आपका जो हेयर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही शाइनी, बहुत ही यूथफुल एकदम बना सकते हैं। तो डोंट वरी, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब गाइस, सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को हिट कर दीजिए, उससे क्या होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो का। और मेरा जो इंस्टा हैंडल है वो मैं स्क्रीन पर दे दूंगी, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टा पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, मेरे इंस्टा का और मेरे फेसबुक पेज का लिंक, तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं वहाँ पे। तो चलिए इस पैक को देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा पैक है, बहुत ही ज़बरदस्त पैक है, आप एक बार ट्राई कीजिए उसके बाद मुझे बताना कि ये पैक आपको कैसा लगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि हेयर पैक लगा के आपको शैम्पू करना है, माइल्ड शैम्पू लेना, माइल्ड शैम्पू से आप वॉश कर लीजिए, बहुत ज़्यादा शैम्पू लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा शैम्पू लेना और उसके बाद आप जस्ट हेयर वॉश करने के लिए आप शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, वो जो राइस का चिटचिटापन होता है उसको आप रिमूव करने के लिए हेयर वॉश कर रहे हैं। इसको दिमाग में रख के ही आपको हेयर वॉश करना है, बहुत ज़्यादा शैम्पू लगा लिया ऐसा आप बंद कीजिए। उसके बाद आपको कंडीशनर अप्लाई करना है। और आप अगर बाहर जाते हैं, जिस दिन ये पैक लगाते हैं आप अगर बाहर जाते हैं तो आप प्लीज़ आप एक स्कर्ट लगा के आप पूरा हेयर को कवर करके आप बाहर जाइए पहले दिन के लिए, तो उससे क्या होगा आपका जो हेयर है वो जल्दी डैमेज नहीं होगा पहले दिन। तो पहले दिन आपको स्कर्ट लगा के आपको बाहर जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस हेयर पैक को बनाने के लिए आपको पहले अनपॉलिश्ड राइस लेना पड़ेगा और उसके बाद आपको ये लेडी फिंगर और इसको बोलते हैं विंडी, वो लेना पड़ेगा 8 विंडी। ओके, उसके बाद इसको अच्छे से वॉश करके थोड़ा सा पानी में भिगो के और उसको कट करना विंडी को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, आप प्रेशर कुकर में दोनों चीज़ों को डालना, उसके बाद थोड़ा पानी देना, उसके बाद इसको कुक करना। मैं थोड़ा कम पानी दिया था पहले तो उसके लिए चिपक गया था। उसके बाद अप्रॉक्स आपको 6 to 7 कप पानी लगेगा। उसके बाद आप इस राइस को मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। उसके बाद देखिए एकदम स्मूथ क्रीमी पेस्ट एक बन गया है, जस्ट लाइक कंडीशनर। उसके बाद नेक्स्ट फिर उसको छानना पड़ेगा अच्छे से, कोई भी लम्स अगर है तो वो निकल जाएगा, अटक नहीं जाएगा बालों पे। नेक्स्ट है आपको कोम करना पड़ेगा, वाइट जो ब्रशेस है उससे आपको पहले नीचे वाला पोर्शन उसको डिवाइड करके, बालों को पहले डिवाइड करके आप कोम कीजिए अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट फिर उसकी मिलाना पड़ेगा, जो पैक है उस पर मिलाना पड़ेगा नारियल तेल, तो अच्छे से हाथ से ही मैं कर रही हूँ। तो उसके बाद पूरा जो हेयर है स्कैल्प से लेकर पूरे हल्के हाथों से आप
ईच स्टैंड्स में, हेयर का जो स्टैंड है ईच स्टैंड्स में आपको ये पैक को लगाना पड़ेगा, लेकिन पैक बहुत ही थीक है इसलिए ऐसा धीरे धीरे मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं स्पीडे करूँगी और जल्दी जल्दी करूँगी तो क्या होगा, हेयर रूट से निकल कर चला आएगा। तो हल्के हाथों से आपको लगाना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको ये करना पड़ेगा, बहुत लेंदी टाइम है और एक मेसी हेयर पैक भी बोल सकते हैं, मेसी है लेकिन बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइस में जो राइस हम लोग खाते हैं ये अनपॉलिश्ड राइस है, तो इसमें तो बहुत सारे प्रोटीन एंड एंडलेस बेनिफिट है राइस का, तो प्रोटीन सोर्स है और इसमें जिंक है, फॉस्फोरस है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है इस हेयर पैक को आप अगर लगाएंगे डेली बेसिस पे और वीक में दो बार या एक बार भी लगाएंगे तो आपको डैंड्रफ से छुटकारा मिलेगा, आपको फ्रीजीनेस से भी छुटकारा मिलेगा। एक नेचुरल क्लींजर है राइस, और अगर आपका स्प्लिटन है, डैमेज सेल है, वो भी रिपेयर हो जाएगा इस हेयर पैक को यूज़ करने के साथ साथ। तो और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, सभी का ये प्रॉब्लम है हेयर फॉल का प्रॉब्लम। जी हाँ, हेयर फॉल का अगर एक्सेसिव हेयर फॉल है तो भी ये पैक आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन एक दिन में आप फर्क पड़ेगा ज़रूर, लेकिन आप कंटिन्यूसली इस पैक को अगर यूज़ करते हैं तो आप देखिएगा इतना अच्छा असर मिलेगा, आपको क्या बताओ। तो जैसे मैं दिखा रही हूँ तो वैसे ही आपको पैक को लगाना है, और ईच स्टैंड्स में आपको अच्छे से पूरा लग जाए ये कोशिश करना है कि पूरा ईच स्टैंड में एक एक बालों में ये हेयर पैक अच्छे से लग जाए, ये कंडीशनिंग की तरह काम करेगा। और नेक्स्ट जो लेडी फिंगर है और नेक्स्ट जो मैं दूसरे साइड में कर रही हूँ वैसे ही करना है, मैं जैसे वीडियो में दिखाया हो धीरे धीरे पैक को लगाना है और अच्छे से पूरा लगाना है। और अगर आप चाहे क्वांटिटी आप ज़्यादा बना सकते हैं, मैं हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग मैं अप्रॉक्स 50 ग्राम में राइस लिया था और 8 लेडी फिंगर। तो इस पैक में मैं लेडी फिंगर क्यों यूज़ कर रही हूँ, उसका रीज़न है कि ये आपका जो हेयर है उसको सॉफ्टन करेगा, स्ट्रेंथन देगा हेयर फॉलिकल्स को, एंड ये पैक ऑफ न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन से भरपूर एंड प्रोटीन है। और एक बात, हेयर को अच्छे से शाइनी बनाता है, अगर आप इस पैक को लगा के आप अच्छे से उसके बाद आप रिजल्ट देखिएगा बहुत ही अच्छा आएगा। तो अगर आपका एक्सेसिव हेयर फॉल होता है तो मैं सजेस्ट करती हूँ आप एक बार फेस्टिव सीजन आ रहा है उसके पहले आप ये पैक लगा कर देखिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना कि रिजल्ट कैसा आया है। तो मैं देखिए इस जो साइड पे अच्छे से मैं लगा रही हूँ, पूरा जो मैं बैक पे देखिए पूरा एकदम जो क्ले पैक होता है ना, क्ले पैक को जैसे लगाते हैं, मैं वैसे ही इस पैक को अच्छे से पूरा लगा लिया है। देखिए वहाँ पर नहीं लगा था पैक, तो मैंने वहाँ पर भी लगा लिया है अच्छे से, तो एकदम अच्छे से पूरा एकदम रूट से लेकर टिप तक अच्छे से आपको पैक को लगाना है। लगाने के बाद आप देखिए कोई भी जगह छूटे ना, ठीक है। रिजल्ट अगर चाहिए तो मैं जैसे दिखाया हूँ पूरा वीडियो को एंड तक देखना, और मैं जैसे दिखाया हूँ वैसे ही रखना है, वैसे ही लगाना है और वैसे ही वॉश भी करना है, ठीक है। मैं जैसे बताऊँगी वैसे आपको वॉश करना है, उसके बाद ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेरा जो ये केराटिन वाला पैक है वो मैंने अच्छे से लगा लिया है, और हेयर को वैसे क्लिप लगा लीजिए, धीरे धीरे करना है क्योंकि बहुत ही थीक पैक है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। तो प्लास्टिक का अगर आपके पास सावर कैप नहीं था तो मैंने प्लास्टिक का एक जो पैकेट होता है कैरी बैग उसको मैं यूज़ किया हूँ, और ऐसे लगाना है बहुत ही खींच कर, बहुत ही ऐसे नहीं लगाना है, धीरे धीरे लगाना है। तो ऐसे ही आपको ऐसे लगा के आपको देखिए बैक से पूरा ढकना है, और उसके बाद 2 आवर्स आपको ये पैक रखना है। नेक्स्ट मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो अगर पसंद आया है तो करना होगा लाइक, और मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, फॉलो फॉर मोर।